हेलो दोस्तों, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो मेरी होने वाली 4th of July फायरवर्क्स टैश टेस्टिंग। तो जैसे आपने कल की वीडियो में देखा होगा, मैं फायरवर्क्स टैश आपके लिए लाया था, तो आज अपन उसी फायरवर्क्स को टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी कुछ अराउंड 10 बज गए हैं और मैं बाहर आया हुआ था वीडियो शूट करने के लिए। और ये देखो, यहाँ मैंने सारे अपने क्रैकर्स रख लिए हैं। तो आज इन सबको अपन टेस्ट करने वाले हैं और अपना सेटअप भी दिखाऊंगा। और आज मैं कैसे शूट कर रहा हूँ वीडियो को वो लास्ट में दिखाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो यार ये देखो, मैंने अपना स्टैश यहाँ पे रख लिया। अब इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्रैकर्स हैं। तो यार ये देखो, ये सारे क्रैकर्स हैं मेरे पास जो कि आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसकी मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, अगर वो अभी तक नहीं देखी है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो यार ये देखो, ये सारे मैं क्रैकर्स इसमें पॉलीथीन में ले आया था, मेरी फेवरेट पॉलीथीन है क्रैकर्स के लिए। तो देखो, रॉकेट हैं, कुछ अनार हैं, देन ये भी कुछ ऊन बम है, ठीक है, और ये कुछ स्काई शॉट्स हैं, ये भी जलाएंगे आज 4th of July को। बहुत मज़ा आता है इसको जला के। और यार अभी पता है एकदम यार शांति है, यहाँ बहुत कम लोग हैं, मतलब बस गाड़ियाँ आती जाती हैं और मैं एकदम यहाँ अकेला हूँ। और अभी मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगा यहाँ पे, मैंने अपना कैसे सेटअप किया हुआ है लाइटिंग के लिए, क्योंकि एकदम अंधेरा। और ये है, फिर नेक्स्ट मेरे पास कुछ लॉलीपॉप है, इनको भी टेस्ट करने वाले हैं। देन मेरे पास कुछ DSLR है, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, तो इसको जला के थोड़ी रोशन कर देंगे। और लास्ट मेरे पास एक कुछ स्काई शॉट, बस इतने ही क्रैकर्स हैं। और बाकी मैं एक लाइटर भी ले आऊँ, क्योंकि लाइटर से जलाएंगे। और आज अच्छा है कि हवा कम चल रही है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हवा बहुत तेज चल रही थी, और आज हवा कम होने की वजह से टेस्ट करने में आसानी होगी। चलो अब सबकी टेस्टिंग चालू करते। तो पहले अपन टेस्ट करते हैं, ये मेरे पास दो स्काई शॉट है छोटे वाले, इसमें से अभी एक टेस्ट करते हैं, एक फिर लास्ट में टेस्ट करेंगे। तो इसको जला के देखते हैं, वाला देखते हैं कैसा। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, चलो करते हैं इसको ट्राई। ऑलराइट, काफ़ी बढ़िया था, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। तो यार अब आपने देखा है ये सिंगल शॉट, 7 शॉट जैसे ही होता है, काफ़ी बढ़िया था। इसको अपन फिर से ट्राई करेंगे। अब अपन ट्राई करते हैं ये एक दो सूतलिस से ट्राई कर लेते हैं, दो ट्राई करेंगे, तो ये वाला देखते हैं कैसा चलता है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, इसको अपन यहाँ रख देते हैं और इसको मैं जलाता हूँ लाइटर से ही। और हवा ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा उतनी चल नहीं रही है, तो जल्दी जल जाते हैं। ऑलराइट, काफ़ी तेज़ आवाज थी यार, मिट्टी उड़ के भी है। एक और है मेरे पास हाथ में ही, इसको भी जलाते हैं। और थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लाइटिंग इतनी कम क्यों है, तो उसको भी लगाता हूँ आप। तो यार आई थिंक ये वाला फुस हो गया है। पर अभी हमने सूतली बम ट्राई किया, एक अच्छा चला, एक फुस निकला, उसकी कोई बात नहीं है। अब ट्राई करते हैं DSLR, वैसे भी अंधेरा हो रहा है तो DSLR को ट्राई करना बनता है। तो यार इसके लिए मैं ये रस्सी ले आया था, इससे जलना आसान हो जाता है DSLR का। उसको जलाते पहले जलाता हूँ भाई, इस पर राइट चल गया यार, देखो आप और ये काफ़ी ब्राइट है, मेरी आंखों में भी लग रहा है, दूर हो जाता हूँ। ये देखो एक बार पूरा उजाला उजाला हो गया, काफ़ी बढ़िया है यार, ये तो मस्त आइटम है, अगर आपको ये मिले तो ले लेना, DSLR के शेप में आता है। कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है यार, ये देखो एक बार आप, दूर दूर तक लाइट जा रही है। तो ये तो ख़त्म हो गया, इसके लिए यार आप एक लाइक ज़रूर छोड़ देना। तो ये ख़त्म हो गया, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। तो यार अब आपने DSLR देखा, काफ़ी बढ़िया जला, फोटो फ्लैश बोलते हैं उसको। अब एक ट्राई करते हैं ये वाला सिंगल शॉट, अभी जो आपने देखा, फिर से इसको ट्राई करते हैं, ये वाला देखते हैं कैसा चलता है। चलो भाई लगा देता हूँ इस पर आग। ऑलराइट, ये तो भाई ओपी था, इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। तो अभी अपने दो सिंगल शॉट देखे, काफ़ी मज़ा आ गया इसको जला के। और अब अपन ये पिंक वाला एक अनार ट्राई करते हैं, ये वाला देखते हैं कैसा जलता है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, और इसको भी मैं इससे रस्सी से जलाने वाला हूँ। लाइट जल गई, और यार कभी कभी ना फट जाता है अनार, देखते हैं आज।
कि भाई ये तो ढीला ढाले ही था, मतलब उतना मज़ा नहीं आया रेगुलर जो अनार होते हैं, बट ठीक था, मतलब जल तो गया पूरा ही, वह इसकी पूरी बॉडी जल गई, मतलब ठीक ठाक था यार, मतलब जैसे रेगुलर अनार होते हैं वैसे तो था नहीं। अभी आपने देखा अनार, मेरे को उतना मज़ा आया नहीं, आप बताना आप कमेंट करके कैसा लगा। अब अपन ट्राई करते हैं रॉकेट, और रॉकेट मैंने अभी तक एक भी ट्राई नहीं किया है, दिवाली के बाद ऐसे ही पड़े, तो ये वाला देखते हैं कैसा जलता है। इसको मेरे को स्काई शॉट पे ही जलाना पड़ेगा क्योंकि मैं बॉटल लाना भूल गया, तो ये वाला देखते हैं कैसा जलता है। तो यार मैंने इसको रॉकेट को इधर रख दिया है, और यार मेरे को रॉकेट का ये एक डर लगता है कि ये गिर ना जाए या इधर उधर ना चले जाए, बट देखते हैं इसको जला के, बट कहीं जाए ना यार। ओए गिरने वाला था, बच गया देखा, तभी मेरे को थोड़ा डर लगता है रॉकेट चलाने में। इसको मैं सेट करता हूँ फिर चलाते हैं। तो यार मैंने इसको फिर से सेट कर दिया, अब तो शायद ना गिरेगा, बट जला के देखते हैं। टेढ़ा ही जाएगा यार ये। ओके काफ़ी बढ़िया था यार, ज़्यादा ऊपर नहीं गया बट काफ़ी बढ़िया फूटा, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। तो यार अब आपने देखा रॉकेट अच्छा जला, मतलब मैं कुछ सोचा नहीं था इतना अच्छा जलेगा। इसको भी अपन साइड करते हैं, अब अपन ट्राई करते हैं ये लॉलीपॉप, ये चटर बटर होते हैं, अब लेट्स ये वाले अच्छे जलते हैं कि नहीं। तो यार मैंने इसको यहाँ रख दिया है, अब अपन ट्राई करके देखते हैं इसको। ऑल राइट, ये तो गिर गया बट, अरे ये चटर बटर था यार, जैसे चिटपुट होता है ना वैसे ही, काफी अच्छा जला, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। तो यार अब आपने देखा चटर बटर, काफी मतलब मजा आ गया इसमें, अब अपन लास्ट ट्राई करते हैं, ये एक स्काई शॉट बच गया ग्रीन कलर का, तो ये वाला स्काई शॉट ट्राई करके देखते हैं अच्छा जलता है कि नहीं। तो यार मैंने इसको यहाँ रख दिया है, लेट्स ट्राई। वाओ वाओ काफ़ी बढ़िया था यार ये। तो यार आज की वीडियो में बस इतने ही फायरवर्क्स थे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको अभी यार अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो यार ये देखो, ये रहा मेरा सेटअप। तो यार ये देखो, अभी मैं बाइक में आया था तो अपनी बाइक की ये हेडलाइट जला दी मैंने, और वहाँ पे एक फ़ोन रख दिया है, और यहाँ पे मैं अपना टेस्ट वेस्ट कर रहा था यहाँ पे देखो, मतलब काफ़ी मतलब अच्छी लाइटिंग हो गई, मैं सोचा नहीं था इतनी अच्छी लाइटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसकी फ्लैश मैंने जला दी है फ़ोन की, और इसकी हेडलाइट जला दी है, सब मेरा काम बन ही गया है, और ऐसा कुछ सेटअप दिख रहा है। तो यार ये था मेरा सेटअप, आप बताना आप लोग को मेरा सेटअप कैसा लगा, जुगाड़ू सेटअप था। और यार मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मिस्टर बीस्ट वगैरह, उनका तो सेटअप बहुत खतरनाक होता है, और उनकी लाइटिंग एक नंबर होती है। मैंने ट्राई किया है वीडियो बनाने का, आप लोग बताना आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट फायरवर्क्स वीडियो कब चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जुलाई में ऑलरेडी अपनी दो वीडियोस हो गई हैं, और इस वीडियो को लाइक है हम लोग लगते हैं 500 लाइक्स का, आई नो थोड़ा सा ज्यादा है बट आप लोग जरूर कर दोगे मेरे को पता है। और अभी कुछ अराउंड 10 बज गए, और यहाँ एकदम गर्मी हो गई है पता नहीं क्यों, और हवा भी नहीं चल रही है, जैसे देख लो पूरा खाली एरिया पड़ा है और हवा बहुत कम चल रही है, तो मेरे को थोड़ी गर्मी लगना चालू हो गई है, बट कोई बात नहीं, अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे सेफ।